नमस्कार दोस्तों, पेट पूजा रेसिपीज में मैं पूजा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है केसर मैंगो लस्सी। ये मार्केट में टेट्रापैक्स में मिलती है, पर इसमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, तो मैंने सोचा इसे बिना प्रिजर्वेटिव्स के बनाया जाए। तो चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं मैंगो केसर लस्सी कैसे बनाई जाती है। और अगर आपको ये मैंगो लस्सी बनाने की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो के नीचे एक बड़ा सा लाइक दें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसे बनाने की सामग्री और मात्रा मैंने यहाँ लिख दी है, आप यहाँ से इसे देख के ले सकते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ का आम लिया है और पीलर की सहायता से उसे छील के इसका छिलका अलग कर लेते हैं। छीलने के बाद इस आम को हमें छोटे छोटे चंक्स के रूप में काट लेना है, तो इस तरह से सीधी और आड़ी स्लिट्स हम इसमें बना लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जो बची हुई गुठली है उसको हम निकाल के अलग कर देंगे। तो आम हमारे कट के रेडी हो गए हैं, तो उसके बाद यहाँ मैंने एक जाली में डेढ़ कटोरी दही लिया है और जाली में से उसका पानी छान के अलग कर लिया है। इस तरह से बोल पे डैब करते हुए हम दही का पानी सारा निकाल लेते हैं, जिससे कि हमारी लस्सी काफ़ी गाढ़ी बनेगी। और उसके बाद एक ब्लेंडिंग जार हम ले लेते हैं और उसके अंदर जो आम के टुकड़े हमने काट के रखे थे वो सारे आम हम इसमें डाल लेते हैं और थोड़े से आम के टुकड़े हम गार्निशिंग के लिए बचा के रख लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 कप चीनी, आप साबुत या पिसी हुई कैसी भी चीनी ले सकते हैं। और उसके बाद ब्लेंडिंग जार का ढक्कन लगा के हम एक बार इस तरह से आम और चीनी की प्यूरे बना लेंगे। उसके बाद हम डाल रहे हैं दही, जिसका हमने पानी निकाल के अलग रखा था, तो यहाँ डेढ़ कटोरी दही मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद में ये है दूध मेरे पास 1 कटोरी, और दूध के ऊपर की उतरी हुई मलाई आप देख रहे हैं वो मैंने इसमें डाली है। इससे बहुत ही गाढ़ी लस्सी हमारी बन के रेडी होगी। तो दूध और मलाई डालने के बाद यहाँ हम डाल रहे हैं 4 छोटी इलायची के दाने, इनके छिलके हटा के मैंने इलायची दानों को क्रश कर लिया है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 10 से 12 लच्छे केसर के, तो केसर और इलायची दोनों हमारी लस्सी में डल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बर्फ और आइस क्यूब्स। डालने के बाद हम ब्लेंडिंग जार का ढक्कन लगा के लस्सी को 1.5 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे। लस्सी का स्मूथ टेक्सचर आने तक मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए हमारी मैंगो केसर लस्सी बन के रेडी है। इसे सर्व करने के लिए मैंने सर्विंग ग्लास को फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए रख दिया था और ग्लास हमारी बिल्कुल चिल्ड हो गई है। तो अब यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश लिया है, आप चाहें तो मिक्स फ्रूट जैम में थोड़ा सा पानी मिला के उसको भी यूज़ कर सकते हैं या रू अफज़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से चम्मच से हम इसको ग्लास के दीवारों पर लगा लेंगे और उसके बाद हमारी मैंगो केसर लस्सी को ठंडे ठंडे ग्लास में सर्व कर लेते हैं। आप देखिए कितनी गाढ़ी लस्सी हमारी बन के रेडी हुई है और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है ये लस्सी। तो लस्सी हमने पोर कर ली है, उसके बाद जो आम के टुकड़े हमने बचा के रखे थे वो इस तरह से हम सेंटर में इसके डाल देते हैं और उसके बाद कुछ लच्छे केसर के हम इसके ऊपर से सजा देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ठंडी ठंडी मैंगो केसर लस्सी बन के तैयार है और कितनी टेम्पटिंग और सुंदर ये लग रही है। तो फ्रेंड्स, इन गर्मियों में आप भी बनाइए ये स्वादिष्ट केसर मैंगो लस्सी। इसी तरह की और रेसिपीज को जानने के लिए पेट पूजा रेसिपीज को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो वीडियो के नीचे एक बड़ा सा लाइक तो बनता ही है। आपकी लस्सी कैसी बनी ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएं। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और अच्छा खाना इसी तरह बनाते रहिए।